कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बनाऊंगी अपने लिए जो है डाइट फ्रूट और वेजिटेबल मिक्स सैलेड। ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत मोटी होती जा रही हूँ, मेरा वजन बहुत बढ़ गया है। तो मैंने अभी सोचा है कि मैं आप थोड़ा सा सैलेड खाऊं, थोड़ा वजन कम करूं। तो चलिए मैं आपको आपके साथ बनाती हूँ। और मैं सैलेड, बस यही चीजें जो आपके पास घर में अवेलेबल हो बस आप उसका सैलेड बना लें। बस इसमें मैं बनाऊंगी, मेरे पास अभी था खीरा, गाजर, फ्रूट में मेरे पास है कीनू, सेब। कीनू का तो आजकल सीजन भी चल रहा है तो कीनू जितना भी खाएं मजे करें। तो अभी पहले मैं कर लेती हूँ, बहुत मुश्किल काम है डाइटिंग करना, अपने दिल को मजबूत करके डाइटिंग करनी पड़ती है। क्योंकि अब जाहिर है खाना भी हमें ही बनाना होता है, और जब मजे मजे के खाने बनते हैं तो फिर दिल चाहता है कि खाना ही खा लो, कौन डाइट फूड खाए। मगर नहीं, अब तो मैंने खुद से अहद कर लिया है कि मुझे डाइटिंग करनी है, अपना वेट थोड़ा सा तो कम करना है, ये जो डबल चिन पेट ये सब कम करना है। तो अब जाहिर है घर में बच्चों को तो हम नहीं खिला सकते डाइट फूड, आज तो चले मैं ये सैलेड से गुजारा करूंगी, कल फिर मैं कुछ और बनाऊंगी। जी जनाब, ये हो गई गाजर, एक गाजर तो हो गई। अब मैं ये दूसरी गाजर को भी कर लूं जल्दी जल्दी से। चलिए जनाब, अभी हमने ये कीनू भी छील लिए हैं अच्छे से, और ये गाजर और खीरे को भी छील लिया। अब जो मैं है इसको कटिंग करूँगी, ठीक है, बारीक बारीक काटना है। और सेब को मैं छिलका नहीं उतारूँगी सेब का, क्योंकि सेब थोड़ा सा क्रंची क्रंची अच्छा लगता है, छिलकों के साथ अच्छा लगता है फिर वो। तो फिर मैं अभी ये सबसे पहले खीरे को काटती हूँ। सब्जियों को कटिंग करना भी एक बड़ा आर्ट का काम है। खैर, हम तो ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं, हमें हमने कौन सा सीखा हुआ है कहीं से। बस बारीक बारीक काटना है, अब जिस भी शेप में काट लो मर्जी है, अगर अच्छी शेप में काटना हो, कुछ अच्छा दिखना हो तो फिर ज़रा अच्छा सा काट लें, वरना फिर आपकी मर्जी है, जाना तो पेट में ही है इसको, वो भी दांतों से खा के चबा के, तो वो बेचारों का तो वैसे ही मुंह में जाके कीमा ही बनना है। लेकिन ये है कि अगर आप किसी के सामने रखने हैं तो थोड़ा अच्छा सा करें ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। आज मैं ये अपने ऊपर जुल्म करूंगी कि ये मैं डाइट फूड खाऊंगी, आज से मैंने बस पक्का इरादा कर लिया है, अब इसको मुझे कंटिन्यू रखना है। आप लोग भी हो जाए, अगर किसी को दुबला होने का शौक है तो आप लोग भी थोड़े से इस तरह से कर सकते हैं अपने आप को पतला, थोड़ा सा कर लें ज्यादा नहीं, के कपड़े पहने तो अच्छे लगे और वीडियो बनाए तो उसमें भी अच्छे लगे, मुंह पतला सा आना चाहिए। अब हम जल्दी जल्दी से इसको कर लेते हैं सारी सब्जियों को। थोड़ा सा मैं ये ज्यादा सैलेड बना रही हूँ क्योंकि सारे उम्मीदवार बैठे हुए हैं कि हमने भी खाना है। अब डाइट फूड भी बंदा अकेले नहीं खा सकता, सोचें जरा कि उसमें भी सारे आ जाते हैं कि हमारे लिए भी बनाइए। चलो मैं ये सारी चीजों को जरा काट लूं, ठीक है, खीरा तो हो गया हमारा, गाजर को भी मैं काट लूं, फिर उसके बाद मैं आपसे दोबारा से मिलती हूँ। चलिए, हमने गाजर तो काट लिया, खीरा भी कट हो गया है, अब मैं एप्पल काट ली। गाजर मैंने अभी तो फिलहाल तो एक ही डाली है, फिर अगर कम लगी तो मैं और डाल दूंगी। अभी पहले मैं ये सेब डाल दूँ ताकि पता चल जाए क्वांटिटी कितनी है। तो मैं पहले ये सेब कर लेती हूँ, ठीक है। मैं तो अभी क्योंकि ज़्यादा लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि सब उम्मीदवार बैठे हुए हैं,
तो मैं इतना बना रही हूँ, अगर आपको एक अपने लिए बनाना है तो फिर आप अपने हिसाब से बनाइए, कम बनाना है कम बनाइए, ज्यादा बनाना है ज्यादा बनाइए, जो जो चीजें ऐड करनी है आप डाल सकते हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, मगर गुड़ सचमुच में नहीं डालिएगा क्योंकि ये डाइट फूड है। तो आपके पास जो जो चीजें अवेलेबल हो और जितनी हो आप डाल सकते हैं, ख्याल रखिएगा कि वो चीजें हो जो आपके वेट कम करने में मदद दें, वो चीजें ना हो जो आपको और मजीद ही मोटा कर दें। वेलकम बैक। चले, मैंने अभी ये इसको सब फ्रूट दी और जो कटिंग करने के थे वो तो काट दिए, ठीक है। अब ये कीनू का थोड़ा सा गंदा, दिखने में गंदा सा लगेगा, इसको मैं निचोड़ूंगी उसके अंदर। खाने में तो मजेदार लगेगा, हाथ मेरे धुले हुए हैं, साफ सुथरे हैं, आप भी साफ सुथरे हाथों से इसको करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको इसके यूं करके इसको करते हैं, लीजिए आप बेशक निकाल लें, वरना ये ना हो कि पेट में कीनू का दरख्त उग जाए आपके, बजाय आप पतले होने के। इसको इस तरह से बीजे निकाल के, और आप वाह 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 वाह, खाने में क्या मज़ेदार लगेगा, अभी आप देखिएगा मेरे हाथों का जायका जाएगा इसके अंदर। वेलकम बैक। चलिए, मैंने अब ये सब काट लिया है, ये कीनू भी मैंने इसके अंदर निचोड़ लिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करके और फिर मैं इसके अंदर अभी थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी, इतना ही नमक डालिएगा जितना आप खाते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। ये मैंने डाल दिया नमक, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसको मिक्स कर लेते हैं, अंदर इतना जूसी जूसी इसका हो गया है कीनू का, जब ये खाएंगे आप तो मज़ेदार सा लगेगा। जी जनाब, ये मैंने सबको मिक्स कर दिया, इसमें नमक काली मिर्च अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है। अगर कीनू वगैरह ना हो तो आप इसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कीनू है तो वैसे ही वो खट्टा मीठा सा लगेगा सेब के साथ, ठीक है। चलिए, ये हमारा रेडी हो गया। जी, तो अब मैं इसको अब थोड़ा सा प्याली में निकाल के मैं टेस्ट करती हूँ कि कैसा लग रहा है खाने में, थोड़ा सा नीचे से मैं जूस भी ले लूँ ताकि और मज़ेदार सा लगे। मज़ेदार, डाइट के हिसाब से तो मज़ेदार है, क्योंकि ऐसी फीकी सूखी चीज़ें खाई नहीं जाती हैं। कीनू का जूस बड़ा मज़े का लग रहा है, इसके अंदर सेब से बहुत जायका आ गया है। खाली सलाद, खीरा और गाजर खाना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो ये डाल के बहुत मज़ेदार लग रहा है। जो डाइटिंग करना चाह रहे हैं जब तक कीनू है कर लें, सैलेड बना के खूब खाएं, कीनू वैसे भी खाएं तो बड़े मज़े की बनी है। बस अब ये हम सब फटाफट चटाचट खत्म कर देंगे इसको। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।